तो सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी है ठीक है, उसमें जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, मेजरेबल जिनको हम मेजर कर सकते हैं ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, उनको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है। दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक हो गया आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। किस बात के आधार पे इसको क्लासिफाई करा है, किस है ना, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि कौन सी प्रॉपर्टी अमाउंट के ऊपर, अमाउंट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है और कौन सी नहीं करती है ठीक है। तो जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती उसको कह रहे हैं इंटेंसिव, जो करती है उसको कहेंगे एक्सटेंसिव। इसको इंट्रेंसिक भी कहा जाता है, इसको एक्सटेंसिव भी कहा जाता है ठीक है। तो ये वाली वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तो विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन दी, डू नॉट डिपेंड्स ऑन दी अमाउंट ऑफ सिस्टम। अमाउंट यानी मास, वॉल्यूम या नंबर ठीक है। अभी हम सिंपल से इसको समझ सकते हैं, अमाउंट के तौर पे मास ले लेंगे हम सीधे ठीक है। तो विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम ठीक है। और यहाँ कहेंगे हम लोग विच डिपेंड्स ऑन दी अमाउंट ऑफ सिस्टम, अमाउंट या मास ऑफ सिस्टम सिस्टम ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या होती है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिनको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो ठीक है। या अगर मैंने कोई बड़े सिस्टम में से दो चीज़ों को सेपरेट कर दिया, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए एक्स थी तो इसके लिए एक्स बाय टू हो जाएगी और इसके लिए एक्स बाय टू हो जाएगी। अभी मैं समझाऊंगा इसको ठीक है। तो ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, ये वाली एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, अभी मैं समझाऊंगा एक एक चीज़ों को ठीक है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें है ना, इसको पहले लिख लो आप इतना, फिर मैं समझाता हूँ इसको ठीक है। तो जैसे मान लो हमने बात करी है एक, ऐसे मान लो आप एक कंटेनर लिया, एक वैसे लिया आपने एक है ना, बीकर वीकर कुछ भी ले लिया जिसमें आपने भर दी शहद, एक वैसे लिया जिसमें आपने शहद भर दी हनी ठीक है। अब अगर इस हनी की, हनी का मान लो डेंसिटी डी है ठीक है, डी डेंसिटी इसकी है। अब आपने क्या करा, इस हनी से दो चम्मच, दो छोटे छोटे चम्मच में हनी डाल दी, इसका वॉल्यूम ऑफ को, अच्छा ये बताओ इस इसमें है ये शहद है, इसका वॉल्यूम कुल मिला के वी है, तो ये छोटी चम्मच है तो क्या इसका भी वॉल्यूम वी रहेगा, नहीं, ये वी वन में लेते हैं, क्या इसका वी होगा, नहीं, तो इसका कह लेते कुछ वी टू होगा है ना। ऑफकोर्स वी वन जो है वी टू से, वी से छोटा है और वी टू जो है वो भी वी से छोटा है ठीक है। मतलब चम्मच है तो कितना वॉल्यूम होगा इसका ठीक है। तो ये बताओ इसकी जो डेंसिटी है, क्या इसमें जो शहद भरी होगी इसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी यार। जो कंसनट्रेशन होगा या विस्कोसिटी होगी, तीनों अलग अलग टर्म्स है लेकिन एक दूसरे के सिमिलर है, तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है राइट। तो अगर इसकी डेंसिटी डी है तो इसकी भी डेंसिटी डी रहेगी ना। अगर इसका कंसंट्रेशन अगर मान लो सी होता तो इसका कंसंट्रेशन भी सी होता, इसका भी कंसंट्रेशन सी होता। अगर इसका गाढ़ापन यानी विस्कोसिटी अगर इसकी वी होती तो इसकी भी वी होती, इसकी भी वी ही होती। अगर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो इसका भी म्यू है, इसका भी म्यू है। अगर कोई कांच का टुकड़ा है, इसको आपने दोस्तों में तोड़ दिया, इस पूरे कांच का टुकड़ा में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू था, तो क्या इस टुकड़े का भी म्यू रहेगा, इस टुकड़े का भी म्यू ही रहेगा, समझ रहे हो ना। पूरे कांच का अगर म्यू है, तो अगर कोई चश्मा है, मान लो कोई चश्मा है, तो ये चश्मे का जो ग्लास है, अगर इस ग्लास को आपने निकाल दिया राइट, तो क्या इस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। या अगर मैं उसका जो नंबर है ठीक है, उसकी जो उसको जिस हिसाब से बनाया गया है, जितना दूर देखने के लिए बनाया गया है ठीक है ना, जो विजन को करेक्ट करने के लिए बनाया गया है, अगर मैं उस कांच को तोड़ दूंगा तो जो उसका कंपोनेंट होगा, टुकड़ा जो कांच का होगा, उससे भी उसी तरीके का दिखेगा जो पूरे से दिख रहा है ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो तोड़ देने पे या अमाउंट चेंज करने पे चेंज नहीं होती है, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, सिंपल तौर पर कहें तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, उसको कह रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, अगर इसका वॉल्यूम वी था तो क्या इसका वॉल्यूम भी वी है, नहीं, क्या इसका वॉल्यूम भी वी है, नहीं, ये कम हो गया, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ठीक है। अगर इसका मास एम है तो इसका एम वन होगा, मान लो इसका एम टू होगा, ऑफकोर्स एम वन एम टू जो है एम से छोटे हैं, तो अमाउंट वॉल्यूम या मास वॉल्यूम या उसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर जो भी थे, मान लो ये NaCl का सोल्यूशन है, यानी कि जगह मान लेते हैं यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन आपने भर रखा है, NaCl का कुछ सी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन भर रखा है आपने ठीक है, या मोलरिटी उसकी मान लो एम है ठीक है। अगर इसकी मोलरिटी एम है, इसका कंसंट्रेशन एम है, तो इसका भी एम ही रहेगा और इसका भी कंसंट्रेशन एम ही रहेगा। अगर इसका मास एम है तो इसका मास एम वन रहेगा, इसका मास एम टू रहेगा ठीक है। मतलब मास चेंज हो जा रहा है, मास तो मास के आधार पर तो हम कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव है, मास खुद तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई है ना। या फिर नंबर ऑफ मोल्स, अगर मान लो यहाँ पे 10 मोल्स प्रेजेंट है सोडियम NaCl के ठीक है, सोडियम क्लोराइड के 10 मोल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, तो क्या इस चम्मच के अंदर जो NaCl भरा है इसके अंदर भी उतने ही प्रेजेंट होंगे, कि बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट है, उसके उसके अंदर हो सकता है 3 मोल्स प्रेजेंट हो, इसके अंदर पता पड़ा 2 मोल्स प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना।
तो नंबर हो गए या फिर नंबर ऑफ मोल्स कह दो, मास हो गया या वॉल्यूम हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, मास के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ये प्रॉपर्टीज कैसी हो गई आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है, इसको आपको याद नहीं करना है, मैं लिख देता हूँ, आप इसे याद मत करो, आपको कोई पूछे तो आप सीधे तौर पर उसको इमेजिन करके सोच के देख लो। अगर मान लो ये आपकी चाय का कप है, इसका टेम्परेचर टी है, अगर इसके चाय के कप को आपने दो छोटे छोटे और कपों में डाल दिया तो इस चाय का कप भी टी रहे, इस चाय में, इस कप में जो चाय है उसका टेम्परेचर भी टी है, तो इसका भी टेम्परेचर टी रहेगा अगर आप इंस्टेंटली मेजर करोगे अगर, तो राइट, थोड़ी देर बाद तो टेम्परेचर कम होगा लेकिन उसका भी कम होगा, ठीक है। अगर मान लो ये कोई आपके पास लिक्विड भरा हुआ है, कोई वाटर है आपके पास, मान लो इसका वेपर प्रेशर मान लो वीपी है, तो इसका वेपर प्रेशर भी वीपी रहेगा, इसका वेपर प्रेशर भी वीपी रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा अगर मान लो, समझ रहे हो ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो डिपेंड नहीं करती अमाउंट के ऊपर, ठीक है, जिसको कोई लेना देना नहीं अमाउंट से, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, कंसंट्रेशन हो गई या मोलरिटी हो गई, है ना, तो इस टाइप की जितनी भी टर्म्स है, सारी की सारी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो सारी की सारी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, अच्छा एक और चीज होती है, एक तीन टर्म्स होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, एक मोलर हीट कैपेसिटी होती है, होती है ग्राम हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो एक मोल के लिए डिफाइन होती है, ग्राम हीट कैपेसिटी एक ग्राम के लिए डिफाइन होती है, और सिंपली कह रहा हूँ मैं, अगर हीट कैपेसिटी तो पूरे सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है, अगर एम ग्राम का सब्सटेंस तो पूरे एम के लिए होगा, अगर उसमें 50 मोल प्रेजेंट है तो पूरे 50 मोल के लिए होगा। तो जितना अमाउंट, ये चीज मैं आगे चल के समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ लिख लो। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये भी एक मोल के लिए, तो ये पूरे अमाउंट से इसको कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, है ना, ग्राम हीट कैपेसिटी या ग्राम स्पेसिफिक हीट जिसको बोलते हैं, हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाएं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ई सेल या ई नॉट सेल, है ना, पूरे सेल का ईएमएफ कितना है, इसको अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता, इसको मैं आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा डिटेल में और समझा दूंगा, ठीक है। ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो एक्टिवेशन एनर्जी हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, राइट। कंसंट्रेशन टर्म जितनी भी होगी, मोलरिटी नॉर्मलिटी सब कितनी है, सबकी सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी की बात करें वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की बात करें वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये एक इक्विवेलेंट के लिए डिफाइंड होता है, ये एक मोल के लिए डिफाइंड होता है, और ये पूरे मतलब एक एमएल के लिए डिफाइंड होता है ना, यूनिट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, कितना कंडक्टिविटी मिल रही है, कितना कंडक्टेंस मिल रहा है, या कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 mol ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 g इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। 1 g इक्विवेलेंट के लिए है, ये 1 mol के लिए है, ये 1 ml के लिए है, तो इसको सिर्फ 1 mol से 1 ml से लेना देना है, इसको 1 mol से लेना देना है, इसको 1 इक्विवेलेंट से लेना देना, तो मास में कितना भी चेंज आता है, पूरे वॉल्यूम से कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको 1 इक्विवेलेंट से लेना देना है, इसको 1 mol से लेना देना है, इसको 1 ml से लेना देना है, तो पूरे सब्सटेंस से इसको कोई लेना देना नहीं है, पूरे मास से इसको कोई लेना देना नहीं, तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर आप सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप वेपर प्रेशर की बात करेंगे ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, आप इसे इमेजिन कर करके समझ सकते हैं, आप इन्हें सोचेंगे तो आपको समझ में आराम से आ जाएगा। और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो मोलर हीट कैपेसिटी, ग्राम हीट कैपेसिटी, ई सेल, ई नॉट सेल, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो आप सीधे तौर पे मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ, मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये जो सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये वाटर है आपके पास, यहाँ पे मान लो वाटर भरा हुआ है सिंपल आपका, ठीक है, तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो अगर आप इसको दो छोटे छोटे डब्बों में डाल दो तो क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अमाउंट चेंज करने पर मास या सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई आपके पास कुछ आइस है या कोई भी कोई ऐसा कोई स्पीशीज है, कोई मान लो आपके पास कोई सॉलिड है, कुछ भी सॉलिड रखा हुआ है, कोई सॉलिड स्पीशीज है आपके पास, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कुछ एक्स है, तो क्या अगर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूँ तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्स है तो इसका भी एक्स ही रहेगा, जितना टेम्परेचर इसको मेल्ट करने के लिए चाहिए उतना इसको भी चाहिए, उतना इसको भी चाहिए। तो यार सीधी सी बात है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, राइट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव, इंटेंसिव, तो आप इसको लिख लो सीधे सीधे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और ये होगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जैसे अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो मास, मास के आधार पर है तो बता रहे हैं कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव, तो हम सीधे मास तो एक्सटेंसिव, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर सीधे तौर पर कहते, कोई भी चीज़ का नंबर, ठीक है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, सब कुछ, ठीक है। हीट कैपेसिटी,
ये जरूर चीज़ है, हीट कैप है सीट, इसको मैं आगे चल के थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये पूरे गिवन सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है। तो ऑफ कोर्स जितना सब्सटेंस गिवन है, अगर मान लो एम मतलब ये हीट कैपेसिटी मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू है ना राइज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 यूनिट, यानी 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए। मतलब अगर मास इसका एम है तो इसका अगर मान लो टेम्परेचर T1 है, तो अगर मैं इसको 1 डिग्री से बढ़ाता हूँ तो ये T2 हो जाता है। तो इस मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट मुझे इसको देनी होगी, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। तो अगर मान लो इसका मास एम है, या चलो मान लो इसका मास मान लो 10 ग्राम है, तो मुझे हीट कैपेसिटी मुझे एक्स अमाउंट ऑफ हीट देनी है इसको है ना। लेकिन अगर मान लो इसका ग्राम इसका मास 20 ग्राम हो गया, तो मुझे इसको 2x देना पड़ेगा 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब मास डबल करने पे है ना ये भी डबल हो जा रहा है, या मास चेंज करने पे ये भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हीट कैपेसिटी जो है वो एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस चीज़ को मैं डिटेल में समझाऊंगा, ये जो चीज़ें हैं थर्मोडाइनमिक्स में डिटेल में समझाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको मैं समझाऊंगा आगे चल के, ठीक है। अच्छा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरे कैमरे में, आना तो चाहिए, 1 मिनट। राइट, तो अब अगर हम बात कर रहे हैं और कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, ये भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस हो गया, ये भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, रेजिस्टिविटी जो होती है वो इंटेंसिव होती है, वो एक पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम के लिए डिफाइन की जाती है। ये रेजिस्टेंस पूरे गिवन सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इन्वर्स होता है अमाउंट के, अमाउंट डबल करने पर आधा हो जाता है, और अमाउंट आधा करने पर डबल हो जाता है। कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, अमाउंट डबल करने पर डबल हो जाएगी, अमाउंट आधा करने पर आधा हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है आपके पास, इसकी कंडक्टिविटी सी है, तो अगर मान लो इसका वॉल्यूम वी था, अगर मान लो इसको आपने 2V कर दिया, अगर मान लो इसको आपने बढ़ा करके इसके वॉल्यूम को 2V कर दिया, तो इसकी कंडक्टिविटी 2C हो जाएगी, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी 2C हो जाएगी। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस आर था, तो इसका रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट के ऊपर, दोनों चीज़ अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली भी डिपेंड कर सकती है और डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकती है। जैसे कंडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है और रेजिस्टेंस इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेसिप्रोकल है, ठीक है, अमाउंट का, ठीक है। यार जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अमाउंट के, ठीक है। अमाउंट डबल करने पर आधा हो जाता है, अमाउंट आधा करने पर डबल हो जाता है, ठीक है। या ये एक दूसरे के इन्वर्स होता है कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस। इसको आगे चल के भी मैं आपको बता दूंगा जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, तो ये सब चीज़ें क्या होती है अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। राइट, अच्छा अगर आप थर्मोडाइनमिक्स टर्म्स की बात करें, इंटरनल एनर्जी है ना, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब की सब क्या होती है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे चल के। ये भी क्या होती है, सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। दिस इज फ्री एनर्जी, दिस इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, दिस इज एंथैल्पी, दिस इज एंट्रोपी। इसको अभी मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आगे चल के मैं समझाऊंगा क्योंकि इसको, ठीक है। दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी, ये आगे चल के आपको मैं समझा दूंगा डिटेल में, ठीक है। छोटे छोटे दो पॉइंट करके लिखो है ना, दो पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट करके दो पॉइंट लिखो। जब हम क्या करते हैं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेते हैं, ठीक है। जब हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स है ना और वाई, ये दो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, सॉरी ये दो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, जब एक्स बाय वाई का रेशियो लेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी जेड, या अगर हम मान लेते हैं वाई बाय जेड का रेशियो लेंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी, मान लेते हैं जेड है, कुछ भी ले लो दोनों में से किसी का भी रेशियो लेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। मास के आधार पर हम बताते हैं कोई एक्सटेंसिव एक इंटेंसिव है, तो ये तो खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो ये रेशियो, ये जो डेंसिटी है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूँ मोलारिटी की, तो मोलारिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है मोलारिटी, ठीक है। तो ये चीज़ थी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास, ठीक है ना, तो कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो लेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। लेकिन अगर मान लो कोई भी दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट लिया जाए, या दोनों का ऐड कर दिया जाए या माइनस कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही रहेगी, ठीक है। जैसे मान लो ए एंड बी, ये दो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं क्या करूँ, ए प्लस बी कर दूँ, मैं ए माइनस बी कर दूँ, या ए इंटू बी कर दूँ, तो मान लो आंसर आ रहा है सी, तो ये क्या रहेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।